21 सितंबर साल 1857 को भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। इससे दो दिन पूर्व अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि उन्हें और उनकी पत्नी जीनत महल की जान बख्श दी जाए। सेनापति मेजर विलियम होडसन और उनके गुप्तचर मौलवी रजब अली की मदद से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया। 21 सितंबर साल 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व शांति दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श पल माना जाता है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। साल 2022 के विश्व शांति दिवस की थीम है, जातिवाद खत्म करें, शांति बनाएं। 21 सितंबर साल 1949 को हुई विलय संधि के बाद मणिपुर भारत गणराज्य का अंग बना। उस समय मणिपुर पर राजा महाराज बोधचंद्र का शासन था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर को साल 1972 में अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी इम्फाल है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था।